आज भी लगातार चुनाव प्रचार में दम भरते हुए ताबड़तोड़ सभाएं, आज पूर्व मुख्यमंत्री की भी। कमलनाथ चुनाव प्रचार में आज कुल मिलाकर ताकत जोड़ने वाले हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम इन्हें लेकर भी साझा किए गए। मंदसौर में सभा को संबोधित करेंगे, नीमच में जनसभा है, यहां पर भी पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ, दोनों ही तरफ से देखा जाएगा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जनसभाएं होंगी। नीमच में जनसभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ। कमलनाथ प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, बीते 3-4 दिनों से भी कमलनाथ को ग्राउंड जीरो पर देखा जा रहा है, और एक बार फिर आज कमलनाथ मंदसौर में नीमच में नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो प्रचार करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। तो मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी का समय खत्म हो गया है, लेकिन कई नाराज बागी नेताओं ने अपने नाम वापस नहीं लिए और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने नाराज नेताओं को बनाने की भरपूर कोशिश की है। इसमें कुछ जगहों पर सफल भी हुए हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां पर सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस ने कहा है कि सीनियर लीडरशिप ने टिकट नहीं दिया और उसी के चलते नाराज नेताओं को समझाया भी गया, बहुत हद तक उसमें सफल हुए, लेकिन कई कद्दावर नेता नाम वापस ले चुके हैं। जो लोग बचे हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव तो लड़े। बगावत और नाम वापसी को लेकर भाजपा ने भी दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है। जिन्होंने भी नाराजगी में नामांकन भरा था वो सब वापस हो गए हैं। आने वाले समय में प्रत्येक नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। पार्टी और हमारे सीनियर लीडर्स ने पूरी कोशिश की कि जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था उन साथियों से पूरी चर्चा संवाद किया जाए। बहुत हद तक हम उसमें सफल हुए हैं। कई कद्दावर लोग नाम वापस ले चुके हैं। अब जो बचे हैं वो बचे रहें, उनको लड़ना है लड़े, उनका भाग्य अजमाना है अजमाएं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है और वो उसके अनुरूप चुनाव लड़ रहे हैं। अब पार्टी अपने संविधान के अनुसार जो भी उसे निर्णय लेना होगा ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य रखते आगे चलता है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी इस प्रकार के नामांकन को भरा था वो सब वापस हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ वो अपनी सहमति दे चुके हैं और सभी सीटों पे आप देखेंगे कि प्रचंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें समाहित होगा। और बुलेटिन में यहाँ